हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दाल फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो ढाबे में दाल फ्राई बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है और सभी जानना चाहते हैं कि वह कैसे बनती है। तो यही रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ लेके आई हूँ, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो दाल फ्राई बनाने के लिए हमें दाल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप अरहर की दाल लिया है और 1 कप मैंने मसूर दाल ली है और 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है। अब इन तीनों को मिलाकर अच्छे से धो ले 3-4 पानी। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है दाल को। उसके बाद मैं इसे भिगो के छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। भिगाने से आपका दाल जो है जल्दी पक जाएगा। तो मेरा 5 मिनट हो गया है। तो अब एक कुकर में मैं दाल को पानी से अलग करके और इसमें डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं इसमें पानी को डालूंगी। तो जितनी गाढ़ी आपको दाल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें। इसको मैंने गैस पे रख दिया है, हाई फ्लेम पे। अब हम वेट करेंगे इसके ऊपर का फ़ेन आ जाए। इसको फ़ेन को जो है अलग कर लीजिए। इससे आपका दाल का जो स्वाद है वो बहुत टेस्टी होता है, मीठा मीठा स्वाद आता है दाल का। तो ये ज़रूर निकाल लें और इससे जो दाल में जो गंदगी होगी वो भी आपका साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेन को निकाल लिया है। अब इसमें नमक और हल्दी को मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक डालूंगी क्योंकि दाल जो है वो मेरे क्वांटिटी में ज़्यादा है। उसके बाद मैं 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी को ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी को भी डाल दिया है। अब मैं प्रेशर का बंद लगा दूंगी प्रेशर आने के लिए और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 से 3 सीटी पका लूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तो दाल जब तक हमारा पक रहा है हम थोड़ी सी सब्जियों को काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता लिया है, टमाटर लिया है और चिकन मसाला लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च, करी पत्ता और 1 बड़ा सा प्याज काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें दाल फ्राई में लगेंगी। तो दाल बन चुका था मेरा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें मैं रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो सरसों का भी तेल डाल सकते हैं या चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है अच्छे से मेरा गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और जीरे को अच्छे से चटकने दूँगी। जब मेरे जीरे से अच्छी खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें जो मैंने लहसुन काट के रखा है उसे डाल दूँगी और इसे भी थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ लहसुन को भी। उसके बाद मैं हरी मिर्च को डाल दूँगी और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद करी पत्ता डाल दूँगी और थोड़ा सा इसे भी फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज को डाल दूँगी और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चलाते हुए अपने प्याज को फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज फ्राई हो गया है मेरा। तो इसमें जो मैंने टमाटर कट के रखे हैं उसे डाल दूँगी और इसे भी मैं चलाते हुए इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नमक को ऐड कर दें ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी ताकि हमारा टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए, अच्छे से गले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा टमाटर गल चुका है। तो अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और उसके बाद जो मैंने दाल बना के रखी थी उसे डाल दूंगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद जो चिकन मसाला है उसे मैं डाल दूंगी। आप यहाँ पे चाहें तो गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको ढक के 1 उबाले आने तक आप पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 1 उबाल आ चुका है और दाल जो है मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा दाल बनके रेडी हो चुका है। अब ऊपर से आप धनिया पत्ती डाल के इसे गार्निश कर लें। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप जीरा राइस के साथ, फ्राई राइस के साथ भी खा सकते हैं। और जीरा राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए हेल्दी रहें।